हेलो मित्रों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आया हूँ राजकोषीय नीति का सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट लेकर के, जो हर परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहली बात कि राजकोषीय नीति है क्या, तो राजकोषीय नीति का मतलब होता है सरकार की नीतियाँ। अब जरा समझिए, समाज में विषमता है, इसके में दो विचारधारा हैं। तो अगर हम अर्थशास्त्रियों की बात करें तो एक अर्थशास्त्री है क्लासिकल और दूसरे जो अर्थशास्त्री है केन्सियन। यहां केन्सियन अकेले हैं और क्लासिकल में मार्शल, एडम स्मिथ, माल्थस, ये सारे अर्थशास्त्रियों का नाम आता है। क्लासिकल अर्थशास्त्री कहते हैं कि सरकार को समाज में तीन ही काम करना चाहिए, शांति व्यवस्था, सुरक्षा और न्याय। इसके बाद पूरी इकोनॉमी को बाजार के भरोसे छोड़ देना चाहिए और बाजार में मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के द्वारा अर्थव्यवस्था का संचालन होता रहेगा। लेकिन ये 1930 ईस्वी में असफल रहा, क्योंकि जब 1929-30 जिसे तीसा की मंदी कहते हैं आई, पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई। तब जाकर के कीन्स महोदय आए और इन्होंने कहा, नहीं, सरकार को केवल शांति व्यवस्था सुरक्षा न्याय ही नहीं करना बल्कि जनता का कल्याण भी करना है, इसलिए सरकार का भी बहुत बड़ा रोल है। तो इसके जनक की बात करें तो कीन्स जी हैं, राजकोषीय नीति के जनक कीन्स हैं। और इनकी पुस्तक जो लिखी गई 1936 में, जनरल थ्योरी इन एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936, उसी के साथ राजकोषीय नीति का उदय होता है। देखिए, समाज में विषमता है इसलिए सरकार की जरूरत है। मान लीजिए कोई बच्चा उच्च वर्ग में, अपर फैमिली में जन्म लिया और कोई निम्न वर्ग में जन्म लिया, कोई अमीर घर में जन्म लिया, कोई गरीब घर में जन्म लिया। माना कि जन्म के समय दोनों का वजन 2.5 किलो है, लेकिन वो तो जन्म से ही विषमता हो गई। कोई करोड़पति के घर में जन्म लिया, कोई भिखारी के घर में जन्म लिया, विषमता तो जन्मजात है। तो जरा समझिए कि विषमता देश में है, अगर उसको सहायता नहीं दिया जाएगा, उसको सुविधा नहीं दिया जाएगा तो अपना विकास कैसे करेगा। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार की जरूरत पड़ती है। सरकार का उद्देश्य है कि अमीरों से टैक्स लेना और गरीबों के कल्याण के ऊपर निचोड़ देना ताकि विषमता कम से कम हो, क्योंकि विषमता किसी क्षेत्र को जीने नहीं देती। आज इस टॉपिक में अब देखिए सरकार विषमता को कैसे कम करने का प्रयास करती है, तो ये तीन टूल्सों का अपना यूज करती है। ध्यान से समझिए, पहला जो टूल्स है कर, टैक्स, दूसरा जो है ऋण, ऋण, और तीसरा जो है व्यय, एक्सपेंडिचर। कर देखिए दो तरीके का, प्रत्यक्ष, दूसरा कर है अप्रत्यक्ष। ऋण देखिए दो प्रकार का, देश के अंदर, देश के बाहर। व्यय भी दो तरह का, योजनागत, गैर योजनागत। मित्रों बात को समझिए, यहां कर, कर का, कर का, ये दोनों में डिफरेंट क्या, पहले ये जान लीजिए। कर और ऋण, कर एक अनिवार्य अंशदान है जिस पर लगाया जाता है, वो उसे देने के लिए बाध्य है। कर एक अनिवार्य अंशदान है जिस पर लगाया जाता है, वह उसे देने के लिए बाध्य है, और उसके बदले में वो सरकार से कुछ पाने का दावा नहीं कर सकता है। जबकि ऋण यदि सरकार लेती है तो उसे ब्याज सहित अदा करने का वचन भी देती है। दोनों में अंतर समझिएगा, इसमें वापस करने का सरकार का दावा नहीं करती, जबकि ऋण लेती है सरकार तो इसे ब्याज सहित अदा करने का वचन भी देती है। आगे आइए,
कर देखिए दो तरह का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर वह कर है जिस पर आरोपित किया जाए, आरोपित मतलब लगाया जाए, उसी से उत्साद किया जाए, उत्साद का मतलब वसूला जाए, अर्थात कराघात करापात एक ही व्यक्ति पर पड़े तो उसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे इसमें आयकर, निगम कर, संपत्ति कर इत्यादि। जैसे किसी व्यक्ति की 1 लाख इनकम है, उसकी इनकम पे हमने टैक्स लगाया 10%, उसने सीधा दे दिया, पड़ोसी की इनकम तो दिखाएगा नहीं, अपनी ही इनकम का देगा। कॉर्पोरेट टैक्स जो बड़ी बड़ी कंपनियों की प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, वो भी अपनी ही कंपनी का दिखाएगा, किसी और की कंपनी की नहीं, इसलिए ये सब डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स वह टैक्स है जिस पर कर आरोपित किया जाए, आरोपित का मतलब लगाया जाए, उसी से वसूला जाए, उत्साह किया जाए, वसूला जाए, और इस कर का विवर्तन कर पाना संभव है। ध्यान से समझना, इस कर का विवर्तन कर पाना संभव नहीं है, मतलब आप टाल नहीं सकते, लेकिन इस कर का विवर्तन कर पाना संभव है। जैसे लगे किसी और पे, दे कोई और, तो इसलिए ये अप्रत्यक्ष कर है। जैसे सेवा कर, सेवा कर, बिक्री कर, GST, इट्स मनोरंजन कर, ये तमाम सारे कर हैं। सेवा कर को जरा समझिए कि मान लीजिए कोई डॉक्टर है और डॉक्टर पे 5% टैक्स लगाए, मरीज से वसूल रहा 100 रुपये फीस, लेकिन इसी डॉक्टर पे टैक्स बढ़ा दिया गया, 10% इंक्रीज कर दिया गया, मरीज से वसूलने लगा 200, तो लगा टैक्स किस पर? डॉक्टर पे, लेकिन डॉक्टर ने वसूला किससे? मरीज से। इसलिए ये कैसा कर है? इनडायरेक्ट टैक्स है। कहने का मतलब कि थप्पड़ मारो किसी और को और दर्द किसी और को हो तो ये डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट दर्द है। और थप्पड़ मारो किस जिसको और दर्द हो उसको तो ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट दर्द है। और थप्पड़ मारो जिसको, दर्द किसी और को हो तो ये इनडायरेक्ट दर्द है। तो कहने का मतलब अगर ये दोनों की तुलना किया जाए कि दोनों में बेहतर कर कौन सा है, तो सबसे अच्छा कर प्रत्यक्ष माना जाता है, क्योंकि ये गरीबी अमीरी का भेदभाव करता है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर गरीबी अमीरी का भेदभाव नहीं करता है। ये सब पे एक समान लगता है, इसलिए ये अप्रत्यक्ष कर बड़ा दुख, इसको ज़्यादा बढ़ाना दुखदायी होता है, क्योंकि ये गरीबों पर भी इसका बोझ और असर पड़ता है। तो आगे आइए, मान लीजिए सरकार ने कर लगा दिया, ये दोनों सरकार के साधन हैं और ये व्यय करना सरकार का लक्ष्य। अब मान लीजिए सरकार का साधन कर से पूरा नहीं हुआ तो अब क्या करेगी सरकार? मान लीजिए देश में सरकार को 100 रुपया खर्च करना है, लेकिन सरकार को कर से 90 रुपया मिला, तो अब सरकार क्या करेगी? पहले देश के अंदर ऋण लेगी, स्टेट गवर्नमेंट देश के अंदर लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देश के अंदर और बाहर लेती है, देश के अंदर लेगी, बाहर भी ऋण लेगी, और उससे भी पूरा नहीं होगा। मान लीजिए देश के अंदर और बाहर से ऋण लेने के बाद सरकार को 95 रुपये मिल गया, 100 जरूरत थी 95 मिल गया, अब सरकार क्या करे? ऋण भी ले ली, कर भी ले ली। अब सरकार एक अस्त्र का यूज करेगी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे हम फाइनेंशियल डेफिसिट बोलते हैं या घाटे की वित्त व्यवस्था बोलते हैं, फाइनेंशियल डेफिसिट या घाटे की वित्त व्यवस्था बोलते हैं, उसे हीनार्थ प्रबंधन भी बोलते हैं, हीनार्थ प्रबंधन, हीनार्थ प्रबंधन, फाइनेंशियल डेफिसिट या घाटे की वित्त व्यवस्था भी इसको हम बोलते हैं। तो जरा समझिए बच्चों
कि कितना पांच सरकार को 100 खर्च करना है, 90 मिला कर से, 5 रुपया मिला ऋण से, 5 रुपया बाकी है। अब सरकार क्या करेगी, अभिनार्थ प्रबंधन का यूज करेगी, फाइनेंशियल डेफिसिट का यूज करेगी, अर्थात 5 रुपए के बराबर सरकारी प्रतिभूतियां, सरकारी प्रतिभूति आरबीआई के पास जमा करेगी और आरबीआई से 5 रुपए के बराबर नई नोटों का निर्गमन कराएगी और अब सरकार के पास 100 रुपए हो गया और अब सरकार पूरे देश में खर्च करेगी। चलिए अब देखिए खर्च क्या करेगी, तो यहां पे देखिए दो तरह का व्यय, प्लानिंग एक्सपेंडिचर, नॉन प्लानिंग एक्सपेंडिचर। यहां योजनागत व्यय के अंतर्गत वो एक वित्तीय वर्ष में व्यय आएंगे जो जन कल्याण से नहीं बल्कि कोई ना कोई सरकार को प्रॉफिट मिले और उससे रोजगार का सृजन हो, और नॉन प्लानिंग एक्सपेंडिचर के अंतर्गत जैसे सब्सिडी, पेंशन, ब्याज माफी, ये सारे नॉन प्लानिंग एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगा। मित्रों ये चीज़ों को मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसी में हम लोग बताएंगे कुछ फैक्ट की भी, आगे चलकर एक आध वीडियो हम तथ्य की डाल देंगे कि कौन कर्ज से कि कब शुरुआत हुई इसका, कब कब इसका, तो आंकड़ा का भी एक दो वीडियो हम आपको डाल देंगे ताकि फैक्ट आपको सब मिलता जाए। तो इस तरह से राजकोषीय नीति के देखिए ये तीन अस्त्र हैं, और कभी कभी नीचे दे देगा नीचुआ तरलता, नीचे दे देगा तरलता और पूछेगा बताओ कौन राजकोषीय नीति का अंग नहीं है, तो तरलता नहीं, ये तीनों राजकोषीय नीति के अंग है। तो मित्रों ये राजकोषीय नीति के वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है और यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए आगे चलकर मैं अगली वीडियो लेकर आऊंगा इसी टॉपिक से संबंधित जो बजट से संबंधित होगा और तमाम सारी चीजें होंगी। तो आज की क्लास यहीं तक मित्रों, और इसे अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। धन्यवाद।